दो सुनील छिंदे होते थे ना पहले। अब ये पूरा कोस्टल रोड जो है ना, ये पूरा गार्डन यहाँ से लेकर मलबार हिल तक 180 एकर्स देखिए। साउथ मुंबई जो है यहाँ वर्ली सीफेस से लेकर मरीन ड्राइव तक, ये हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। हम साउथ मुंबई में रहते हैं, साउथ मुंबई की जो समस्याएं हैं अच्छी तरह से हम समझते हैं। कई बार दक्षिण मुंबई के मतदाताओं का मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मेरे स्वर्गीय पिताजी इस क्षेत्र के एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, कॉरपोरेटर रह चुके हैं। और साउथ मुंबई दक्षिण मुंबई के नागरिकों के साथ, नौजवानों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक एक पारिवारिक संबंध है, और उनकी जो समस्या है उन समस्या को की जानकारी लेना, सुलझाने की कोशिश करना, ये हम हमेशा पिछले 5 दशकों से करते आ रहे हैं, चाहे हम सत्ता में हो चाहे हम सत्ता में ना हो। सो दिस रिलेशनशिप ट्रांसेंड्स पॉलिटिक्स आई वुड से। एंड टुडे लोग क्या चाहते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आगे बढ़े। भारत को यदि हम, भारत की अर्थव्यवस्था को यदि हम मजबूत करेंगे तो हमारे देश के सामने जो भी कंपेटिटर्स हैं, जो लोग चाहते हैं, जो देश चाहते हैं कि भारत आगे न बढ़े, उनको हमें जवाब देना है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मोदी जी का एक सपना है कि भारत को हमें एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महाराष्ट्र का ऑलमोस्ट 1/5 कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें महाराष्ट्र से तैयार करना होगा, और उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने में मुंबई और एमएमआर रीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, योगदान रहेगा। और इसलिए मुंबई में, यदि हम मुंबई में निवेशकों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको यहाँ आकर्षित करना चाहते हैं, यहाँ लोगों के लिए रोजगार निर्माण करना चाहते हैं, यदि हम फ्यूचर इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, फिनटेक, तो सबसे पहले हमें मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा। और आज मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र सरकार बहुत ही तेजी से मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, चाहे कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, मुंबई मेट्रो हो। आज इस वर्ली एरिया में, दक्षिण मुंबई में, लगभग 300 एकड़ का एक वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा हमारे मॉर्निंग वॉकर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, नौजवानों के लिए। और विश्व में लोग कभी कभी लंदन जाते हैं हाइड पार्क जाने के लिए, सैन फ्रांसिस्को जाते हैं गोल्डन गेट पार्क, न्यूयॉर्क में जाते हैं सेंट्रल पार्क देखने के लिए। आज दक्षिण मुंबई में एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक पार्क हम बनाने जा रहे हैं। तो हमें ऐसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम बनाएंगे तो हम वर्ल्ड क्लास टैलेंट को मुंबई में आकर्षित करेंगे, यदि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वर्ल्ड के सबसे बड़े निवेशकों को हम मुंबई में अट्रैक्ट करेंगे। यही हमारी विजन है। और यहाँ का जो राजनीतिक बैटल है, लड़ाई है, एक प्रकार से सरकार जो है वो प्रगति ऐसे कर रही है जहाँ स्पीड लिमिट ही नहीं है, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हर काम में स्पीड ब्रेकर लगाना चाहते हैं। महालक्ष्मी रेसकोर्स का काम हो रहा था, स्पीड ब्रेकर लगा रहे थे। कोस्टल रोड का काम, स्पीड ब्रेकर। मेट्रो का काम में इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर उन्होंने लगाया जिसके वजह से मेट्रो 4 साल डिले हुआ, उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन 14,000 करोड़ रुपए है। वो किसकी पॉकेट से निकला? आम नागरिकों से। तो ऐसे राजनीति को, ऐसे लोगों को हमें अब दरवाजा दिखाना होगा, उनको घर पे बिठाना होगा, ताकि मुंबई, महाराष्ट्र, भारत को हम आगे ले जाएं।
महाराष्ट्र में विकास काम किए जा रहे हैं, मुंबई में किन समस्याओं पर प्राथमिकता दी जाएगी आने वाले समय? देखिए, वैसे मैंने कहा मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी इशू है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना बहुत जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि केवल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कोस्टल रोड, जो लोग गाड़ियों में सफर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है मुंबई मेट्रो, जो आम नागरिक है, आम मुसाफिर है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पब्लिक ओपन स्पेसेस भी होता है। केवल हम कंक्रीट जंगल बनाएंगे मुंबई को, वो चलेगा नहीं। इसके साथ साथ जितना भी कंक्रीट हम ऐड कर रहे हैं, अब कोस्टल रोड मींस रिक्लेम्ड लैंड, इसके साथ साथ हमें ग्रीन लंग्स भी तैयार करना होगा। और इसलिए एक विजन है कि महालक्ष्मी रेसकोर्स प्लस कोस्टल रोड के जो ग्रीन बेल्ट है, दोनों को मिला के लगभग 300 एकड़ जमीन हम मुंबई के आम नागरिकों के लिए ओपन करने जा रहे हैं, इससे आम लोग फायदा उठा सकते हैं। एक वो जो गार्डन वाला आजकल कम हो गया।